हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो हम करेंगे प्रश्नावली 5.1। इसमें हमें बताना है कि किन स्थितियों के संबंध में जो दी गई समस्या है वो एपी में है या नहीं है। हमें इसमें बताना है कि एपी में है या नहीं है, अगर है तो वो एपी में क्यों है। और साथ ही साथ बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा समांतर श्रेणी चैप्टर है, इसका परिचय की मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको पता चलेगा कि एपी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न इसका। और साथ ही साथ हमारे अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारे जो जितने भी वीडियोस हैं उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा और आप अप टू डेट रहोगे और आसानी से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो हमें बताना है कि यह समस्या एपी में है या नहीं है, यह समांतर श्रेणी में बनेगी या नहीं बनेगी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन के अनुसार प्रथम किलोमीटर का जो किराया है, पहले किलोमीटर का, फर्स्ट किलोमीटर का की जो किराया है वो है 15 रुपए और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है, यानी कि जितना भी वो आगे चलेगा हर एक किलोमीटर का वो 8 रुपए लेगा। मतलब जैसे उसने 2 किलोमीटर चला तो सेकंड किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना रहेगा, 2 किलोमीटर के लिए उसका किराया रहेगा पहले किलोमीटर का 15 रुपए और दूसरे किलोमीटर अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपए है, तो दूसरे किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए उसका चार्ज होगा 15 + 8 यानी कि 23 रुपए लेगा वो। उसके बाद अगर वो ऐसे 3 किलोमीटर चलेगा, 3 किलोमीटर के लिए कितना किराया हो जाए उसका, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए और 3 किलोमीटर वो चलाए तो पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए हो गया, बचे कितने 2 किलोमीटर बचे और 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए लेता है तो 2 किलोमीटर का लेगा 2 × 8 यानी के 15 + 16 जोड़ देंगे इनको 6 × 5 = 11 और 1 × 1 = 2 6 × 5 = 11 और 1 × 1 = 2 = 3 तो आपका कितना हो जाएगा 31। ऐसे ही अगर हम 4 किलोमीटर के लिए चलेगा वो, तो 4 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, 4 किलोमीटर के लिए किराया उसका 15 रुपए लेगा पहले किलोमीटर के लिए और बाकी किलोमीटर के लिए बाकी कितने बचे 3 किलोमीटर तो 3 का लेगा 8 के अकॉर्डिंग तो 8 + 24 तो 15 + 24 = 5 × 4 = 9 = 2 + 3 39 रुपए। ठीक है, अब हमें देखनी है यार ये जो समस्या हमारी एपी में चल रही है कि नहीं चल रही है, तो ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। अब हम देखते हैं पहले किलोमीटर के लिए इसने कितना लिया, पहले किलोमीटर के लिए इसने 15 रुपए लिए और दूसरे किलोमीटर के लिए 23 रुपए और तीसरे किलोमीटर के लिए 31 रुपए और चौथे किलोमीटर के लिए 39 रुपए और एंड सो ऑन ऐसे ही चलते चले जाएगा। अब हमें पता करना है कि ये एपी में है या नहीं, तो एपी के लिए बच्चों क्या होता है कि इनके बीच का जो अंतर होता है वो समान होना चाहिए, अगर इनके बीच का अंतर समान है तो ये समस्या एपी में होगी, अदरवाइज ये एपी में नहीं होगी। चलिए इनका अंतर देखते हैं, यहाँ पे हम इसका सर्वांतर निकाल लेते हैं डी, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करना होता है, डी बराबर होता है a2 - a1 तो ये 23 और -15 15 में से 23 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8। ऐसे ही अब हम तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करेंगे, तीसरी टर्म में से दूसरे तीसरे पद में से दूसरे को माइनस करके देख लो 31 - 23 तो यहाँ भी हमारा 8 बचेगा। ऐसे 39 में से 31 माइनस करके देख लो, चौथी टर्म में से तीसरी टर्म को माइनस करेंगे तो 39 - 31 यहाँ भी हमारा कितना बचा 8। अब आपने देखा कि भाई इन सब के बीच का जो गैप है वो +8 है, इन सब के बीच का जो अंतर है वो कितना है +8 है और ये अंतर बराबर है, और जब हमारा अंतर बराबर होता है, सभी पदों के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है, तब वो क्या होती है एपी में होती है। तो ये जो हमारी समस्या है ये किसमें है, हाँ ये एपी में है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहले का दूसरा भाग। दूसरा भाग है हमारा, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप एक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, इस समस्या को हम बताएंगे कि एपी में है या नहीं है। तो भाई कोई बेलन है और उसके अंदर कुछ हवा भरी हुई है, लेकिन एक बार में जो पंप है वो उसका 1/4 भाग हवा का बाहर निकाल देता है। तो हम मान लेते हैं, इसमें हम मान लो, माना जो बेलन है उसमें जो हवा है, बेलन में हवा मान लो कि कितनी है 64 घन मीटर है, उसके अंदर जो हवा है वो 64 घन मीटर है। तो
तो पहली बार में कितनी हवा निकालता है, एक बटा चार। तो पहली बार में हवा निकलेगी कितनी, एक बटा चार भाग। तो फर्स्ट टाइम हवा निकाली, पहली बार में जो हवा निकलेगी वो कितनी लगेगी, 64 का एक बटा चार भाग। 64 को एक बटा चार भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार ही कम चार, चार छिक 24, कितना 16। 16 घन मीटर जो है एक बार में हवा निकल जाएगी। तो शेष कितनी बची, पहली बार में शेष कितनी बचेगी, 64 माइनस 16, 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 1 गए 4, तो कितनी बची उसमें 48, पहली बार में बची 48। उसके बाद फिर से हमने पंप लगाया, और जब हम फिर से दोबारा पंप निकाल लगाते हैं तो फिर से वो इसका एक बटा चार भाग बाहर निकाल देता है। तो दूसरी बार में निकाली हवा, दूसरी बार में निकाली हवा, दूसरी बार में कितनी निकालेगा, बची कितनी 48, और उसका एक बटा चार भाग फिर से बाहर निकाल देगा। चार एकम चार, चार दुनी आठ, कितनी हवा निकाली, 12 घन मीटर। तो शेष कितनी बची, 48 माइनस 12, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से गया 3, अब कितनी बची, 36। तीसरी बार में फिर से हवा निकाली बाहर, अब तीसरी बार में हवा निकाली तो कितनी बची, तीसरी बार में 36 था और 36 का एक बटा चार भाग बाहर निकाल दिया, 4 इन 36 तो 9 मीटर घन मीटर बाहर निकाला। तो शेष कितनी बचेगी, फिर से 36 माइनस 9, 9 तो कितना बचा, 27। अब यहां पे देखिए, ये जो हमारी समस्या है, जो हम इसको निकाल रहे हैं हवा, तो किसके अकॉर्डिंग निकल रही है, पहले कितना था, 64 था, 64 के बाद कितना बचा, 64 के बाद बचा 48, 48 के बाद कितनी शेष बची, बची 36, और 36 के बाद कितनी शेष बची, 27, और ऐसे ही ये कम होती जाएगी। अब हमें बतानी है भाई, ये जो हमारी समस्या है, ये समस्या एपी में है या नहीं है, तो एपी में है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सबका अंतर निकालेंगे। पहले A2 माइनस A1 करेंगे, अब A2 48 माइनस 64 करेंगे तो कितना बचा हमारा, ये 8 में से 14 में से 8 गए 6 और भी 5 में से 4 गया 1 माइनस के 16, ठीक है बच्चों। दूसरी बार में 36 में से फिर 48 माइनस करेंगे तो यहां पे हमारा 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गया 1 कितना बचा 12 माइनस के, फिर 27 में से 36 माइनस करेंगे, 16 में से 7 गए 9 और माइनस का 9। अब आप ही देखिए, पहले वाले का जो हमारा अंतर आया है 48 और 64 का, 48 और 64 का हमारा अंतर आया है माइनस के 16, और 36 और 48 का जो अंतर आया है वो माइनस के 12, और 27 और 16 का जो अंतर है माइनस के 9। यहाँ पे सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है, यहाँ पे सभी पदों के बीच का अंतर जो है वो आपका समान नहीं है, यहाँ पे समान अंतर नहीं है, तो इस वजह से ये हमारी एपी में नहीं होगी, ये एपी में नहीं है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए इसका भाग नंबर 3। एपी बहुत आसान है, बस आपको पदों के बीच का अंतर ही देखना है, और अंतर अगर बराबर है तो एपी है, और अंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। तीसरे भाग में कहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की जो खुदाई है वो 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है, तो बताओ ये समस्या भी आपकी एपी में है या नहीं है। तो भाई पहले मीटर की, फर्स्ट मीटर की जो खुदाई है उसका चार्ज है 150 रुपए, और अब क्या होगा, हर बार प्रत्येक मीटर जो है 50 रुपए बढ़ती जाती है, यानी कि अगर हम 2 मीटर खुदाई हमने कराया कुआ अपना, तो 1 मीटर के 150 रुपए देने पड़ेंगे और दूसरे मीटर के कितने, 50 रुपए, तो कितना लेगा ये, 200 रुपए। अगर हमने 3 मीटर की खुदाई कराई तो 3 मीटर में 1 मीटर के ले लेगा 50 रुपए,
एक मीटर के पैसे हमने दे दिए 150 रुपये, 2 मीटर बचा और हर मीटर की जो है 50 रुपये लेता है, तो 2 × 50 1900 और 150 कितना हो गया 250 रुपये। ऐसे ही अगर हम 4 मीटर की खुदाई करेंगे तो 1 मीटर के 150 और प्लस 4 मीटर में भाई 1 मीटर का तो पे कर दिया, कितने बचे 3 मीटर बचे, और 1 मीटर की जो खुदाई का लागत है वो 50 रुपये है, तो 3 मीटर का हो गया 3 × 50 150 कितना 300 रुपये। और ऐसे ही हम जैसे खुदाई करते जाएंगे ऐसी कीमत बढ़ती जाएगी। अब हमें बतानी है कि ये जो हमने हल करा है यह समस्या हमारी एपी के अनुसार हो रही कि नहीं हो रही है। तो पहले मीटर की खुदाई के रुपए कितने थे 150, दूसरे के कितने 200, तीसरे के 250, फिर 300 और फिर 800। अब इनके बीच का अंतर देखिए भाई, 200 माइनस 150 करोगे, 200 में से 150 घटाओगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा, और 250 में से 200 माइनस करोगे वो भी आपका 50, और 300 में से 250 वो भी आपका 50। हर एक पद के जो बीच का अंतर है वो हर एक पद के बीच का अंतर जो है आपका बराबर अंतर आ रहा है, समान अंतर आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे हाँ ये समस्या क्या है एपी में है, ये आपका एपी है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का भाग नंबर 4। बच्चों मैंने आपको बताया बहुत आसान है, बस आपको देखना है कि बीच के जो पद हैं उनका अंतर समान है या नहीं है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो है वो हमें बताना एपी में होगा नहीं, जबकि ये राशि जो है हमारी 10,000 रुपये राशि है, 8% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहले एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज, एक साल का जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा। सूत्र होता है बच्चों मिश्र धन का ए बराबर पी 1+R/100 की घात एन। एन जो है वो आपका वर्षों को दर्शाता है, पी आपका मूलधन को दर्शाता है, ए आपका मिश्र धन को, और आर जो है वो आपका दर को दर्शाता है। अब हम पहले साल के लिए देखते हैं, तो पहले साल के लिए हमारा मिश्र धन हो जाएगा, मूलधन तो समान रहेगा 10,000 ही, 1+ राशि कितनी है 8/100 और साल 1 यानी कि 1 घात है, तो कितना हो गया 10,000 गुणा 108/100। तो पहला हो गया हमारा 10,800 रुपये, एक साल का मिश्र धन हमारा हो गया 10,800 रुपये। अब 2 साल के लिए मिश्र धन देखेंगे, 2 साल के लिए मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन हमारा ए बराबर वही 10,000 और वही गुणा ये जो हमारा 108/100 हुआ था इसकी घात अब 2 लग जाएगी, यानी कि 108/100, क्योंकि यहाँ पे एन जो है वो वर्षों में लगेगा, तो 2 साल के लिए घात 2 हो जाएगी, उसको हल करके 108/100 आया था, तो 2 साल के लिए 108/100 और 108/100 हो जाएगा, इससे ये कटा और इससे ये कटा। हमारा बचा 108 × 108, 108 की 108 से गुणा कर लेते हैं, चलिए देखते हैं कितनी गुणा आएगी, कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर आ गया है, 2-2 कैलकुलेटर हो गए, 3-3, पर हमें तो एक ही कैलकुलेटर की जरूरत है। चलिए देखिए 108 × 108 कितना हुआ, 108 × 108 हुआ हमारा 11,664, कितना हुआ 11,664, तो हमारा ये आ गया 11,664। ये 2 साल का हो गया, 1 साल का और निकाल लेते हैं, कम से कम 3 टर्म तो हमें चाहिए, तो 3 साल का मिश्र धन हम निकालेंगे यहाँ पे, 3 साल, तो 3 साल के लिए ए बराबर 10,000 गुणा 108/100 × 108/100 × 108/100, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 10,000 100 से 10,000 कट जाएंगे। अब आपको बचा 108 × 108 × 108 और बटे में कितना 100, तो 108 की गुणा तो हमने ये करी रखी थी, इसमें फिर से गुणा कर देते हैं 108 से और हमारा आ जाएगा ये 125,971,2, और इसको भाग करना है किससे 100 से, तो जब 100 से भाग करेंगे तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ। फिर हमारा 3 साल का मिश्र धन हो गया।
अब हमें देखना है कि ये जो हमारी समस्या है यार एपी में है या नहीं है। तो एपी के लिए क्या होता है, समान अंतर होना चाहिए सबके बीच में। तो पहले साल का आया 10,800 रुपये, दूसरे साल का आया 11,664 रुपये, तीसरे साल का आया 12,597.12 रुपये। अब हम देखते हैं कि बीच का अंतर समान है या नहीं है। तो पहले का जो अंतर है समान वो देखते हैं पहले कितना है, ये 11,664 -10,800 कितना बचा। पहला जो अंतर बना हमारा इन दोनों के बीच का वो बना 864 का, -864 का। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देख लेते हैं कितना आ रहा है। तीसरा पद है हमारा 1,25,907.12, और माइनस करना है इसको 11,664, 11,664 कितना है भाई घटा के, ये आया हमारा 933.12। अब देखिए दोनों की जो हमारे पद हैं, दोनों पद के बीच का जो सर्वांतर है हमारा वो बराबर नहीं है। और जब सर्वांतर बराबर नहीं होता तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में हम बोलते हैं कि ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। तो बच्चों पहला जो प्रश्न है इसमें हमें यही बताना था कि हमारी समस्या एपी में है या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एपी को हम किस तरीके से देखते हैं। हमें सिर्फ पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको हमें जांचना होता है, देखना होता है कि वो अंतर बराबर है या नहीं। अगर अंतर बराबर है तो वो एपी में है, और अंतर बराबर नहीं है तो वो एपी में नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।